चार गोरी ननद की एक लौती भाभी। आनंदी जिया प्रिया, बहुत ही जल्दी भैया की फर्स्ट एनिवर्सरी है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम चारों बहनें मिलकर अपनी प्यारी सी भाभी को सरप्राइज दें। यही तो मैं भी सोच रही थी सपना। मैं सोच रही हूँ क्यों ना भाभी को हम एक प्यारी सी साड़ी दें। अरे तूने फिर से गरीबों वाली बात की। अरे हमारी एक ही तो भाभी है, हमें उन्हें फर्स्ट एनिवर्सरी पे बहुत ही अच्छा फील कराना है, क्योंकि भैया को तो कुछ याद ही नहीं रहता है। हाँ उन्हें तो बस अपने काम से प्यार है। चारों ननद अपनी भाभी को एक सरप्राइज देना चाहती थी। सभी नंदे आपस में प्लानिंग कर रही होती है, तभी वहाँ पे चारों बहनों का भाई विवेक आ जाता है और अपनी बहनों से कहता है, तुम चारों बिल्लियों से किसने कहा कि मैं अपनी शादी की सालगिरह भूल गया हूँ। अरे भूलो मत, मेरी और काजल की लव मैरिज हुई है, और मुझे वो भी दिन याद है जब मैं काजल से पहली बार मिला था। सच में भैया आपको याद है? आपको देख के तो ऐसा लगता नहीं है कि आप किसी चीज को याद भी रख सकते हो। भूलो मत, मैंने तुम्हारी भाभी को पटाया था और मेरी बदौलत ही तुम्हें ऐसी भाभी मिली। सारे भाई बहन आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी आशा उनकी बातों को सुन लेती है और विवेक की बातों का जवाब देकर कहती है, बेटा यह तेरी गलतफहमी है, तूने उस काली ब्यूटी पार्लर वाली को पटाया था। मुझे तो लगता है कि उस काली ब्यूटी पार्लर वाली ने तुझ पे कोई जादू किया है। क्या पता जैसा उसका रंग है, वैसे वो काला जादू करना खुद भी जानती होगी। माँ मेरी बीवी के लिए आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकती, तो बुरा भी मत बोलिए। माँ आपने क्या किया, भैया को नाराज कर दिया। आप क्यों भाभी को पसंद नहीं करती? अरे उनको आए हुए 1 साल हो गए हैं, अब तो उन्हें अपना लो। कैसे अपना लूँ उस कलूठी को? तुम चारों बहनों ने अपनी शक्ल देखी है, तुम चारों किसी हूर की परी से कम नहीं लगती हो। और एक बार मेरे बेटे को देखो, मेरे बेटे के सामने तो बड़े बड़े राजकुमार सर झुका ले, इतना सुंदर है। और एक बार उस काली को देखो। अरे तावे के सामने भी खड़ा कर दिया जाए तो तावा गोरा लगेगा। आशा की ऐसी बातें सुनकर विवेक वहाँ से चला जाता है और आशा की चारों बेटियाँ भी अपने अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन काजल चाय बना रही होती है, पर गलती से चाय में चायपत्ती कुछ ज़्यादा गिर जाती है, जिसके कारण चाय का रंग थोड़ा सा काला हो जाता है। अब चाय के रंग को देख के आशा फिर से काजल के रंग को लेके बुरा भला कहती है, बहू माना कि तुझे काली चाय पसंद है, क्योंकि तेरा रंग काला है, इसका मतलब यह तो नहीं कि तू हमें भी अपने रंग की जैसी काली चाय पिलाएगी। वैसे भी सुबह सुबह तेरा काला चेहरा देखकर मेरा दिल अंधेरे में चला जाता है, कम से कम चाय तो अच्छी पिला दे। माँ जी मैं आपके लिए दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। वैसे बहू तुझे पता है कि तेरे घर वालों ने तेरा नाम काजल क्यों रखा है, और काजल नाम का मतलब क्या होता है? माँ बस भी करो, भाभी को बुरा लगता होगा। मैं बस यही तो पूछ रही हूँ कि उसके घर वाले ने उसका नाम काजल क्यों रखा है। शायद यह काली है इसलिए काजल नाम रखा होगा। एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं तेरी माँ हूँ ना कि तू मेरी माँ है, इसलिए मुझे सुनाने से पहले बेटी के दायरे देख लिया करो। आशा अपनी बेटी की बातों से चिढ़ जाती है और उसे वहाँ से सुना कर चली जाती है, जिसके बाद जिया अपनी माँ की तरफ से अपनी भाभी से माफ़ी मांगती है। भाभी मैं माँ की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। माँ सुबह सुबह करेले का जूस पीती है ना, इसलिए उनकी जुबान कड़वी हो गई है। जिया मुझे माँ जी की बातों का बुरा नहीं लगता, और वैसे भी तुम सब मुझे इतना प्यार करते हो और माँ जी भी मुझे अपना मानती हैं, तभी तो ऐसी बातें करती हैं। काजल अपनी सास की बातों को दिल पर नहीं लगाती है और वहाँ से चली जाती है। एक बार फिर से काजल की चारों नंदे आपस में कमरे में बैठकर अपनी भाभी की फर्स्ट एनिवर्सरी का गिफ्ट तैयार कर रही होती है। देखो 2 दिन बाद ही भैया भाभी की फर्स्ट एनिवर्सरी है। माँ की वजह से भैया का पहले से ही मूड ऑफ है,
और भाभी भी कुछ खास खुश नहीं रहती, तो हमारा यह फ़र्ज बनता है कि उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी सबसे अच्छी जाए। हाँ तो फिर ठीक है, हम भैया और भाभी के लिए रेस्टोरेंट मूवी टिकट बुक करते हैं। दोनों रात को अपनी पर्सनल टाइम इंजॉय करेंगे और पूरा दिन हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, रात को तो हम डिनर के लिए उन्हें होटल भेज देंगे और मूवी देखने के लिए भी भेज देंगे। तो उनके एनिवर्सरी के दिन हम भाभी से कोई भी काम नहीं कराएंगे। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। तो हम दिन में भाभी को कोई भी काम नहीं करने देंगे। कल हम खुद सारा काम करके उनके लिए गिफ्ट लेने जाएंगे। प्लान तो अच्छा है। अब हमारी प्यारी भाभी अपनी शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी कभी नहीं भूलेगी। हम उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी इतने अच्छे से मनाएंगे। काजल की चारों नंदे अपने कमरे में बैठकर एनिवर्सरी की तैयारी कर रही थी, पर यह सब कुछ दरवाजे पे खड़ी आशा सुन लेती है और खुद से कहती है, मैं भी देखती हूँ। मेरे होते हुए भी वह कलमोई अपनी शादी की सालगिरह कैसे इंजॉय करती है। और इन चारों के निकलते ही मैंने उसे इस घर का नौकर ना बना दिया तो मेरा नाम भी आशा नहीं। आशा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह होते ही आशा काजल को बेफजूल में भड़काने लगती है। सोचा था गोरी और सुंदर बहू आएगी तो साथ में मार्केट जाऊंगी, उसे अपने साथ किटी पार्टी में ले जाऊंगी। लेकिन जब से यह काली मनुष्य इस घर में आई है, किटी पार्टी हमेशा कैंसिल ही हो जाती है। माँ जी, मेरी वजह से आप अपनी पार्टी को कैंसिल मत किया करो। आप उन्हें घर बुला लिया करो, मैं सामने नहीं आऊँगी। अब क्या फ़ायदा बहू, अब तो किटी पार्टी कैंसिल हो गई। तेरी इस काली शक्ल की वजह से, काजल अपनी सास की बातें सुनकर रोने लगती है। काजल अपने कमरे में चली जाती है और इसी तरह दिन बीत जाता है। रात के 12 बजे जब काजल सो रही होती है तो विवेक उसे उठाता है और उसे एक नेकलेस देता है। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी माई लाइफ लाइन। आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है और मेरे दिमाग से ही निकल गया। मुझे माफ़ कर दीजिए विवेक जी, मुझे सच में याद नहीं था। मैं आपके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाई, जबकि आप मुझे इतना महंगा नेकलेस दे रहे हैं। कोई बात नहीं काजल, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा हर एक दिन माँ को खुश करने में चला जाता है और तुम आज बहुत ज़्यादा दुखी हो, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है और इन सालों में माँ ने तुमसे एक बार भी प्यार से बात नहीं की। विवेक, मैं क्या करूँ कि माँ जी मुझे अपना ले। काजल इतना बोलकर विवेक के गले लग जाती है। विवेक उसे दिलासा देता है और अगली सुबह होते ही काजल की चारों नंद रसोई में उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी का केक बना रही होती है। जब काजल सुबह सोकर उठती है तो जिया उसकी आँखों में पट्टी बांध देती है और उसे हॉल में लेके आती है। जब आंखों से पट्टी हटाती हैं तो देखती हैं हॉल में पूरे गुब्बारा और रिबन से सजा हुआ है और उसके सामने केक रखा हुआ है। हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी भैया एंड भाभी, यह प्यारा सा तोहफा हमारी तरफ से आप दोनों के लिए। बेटा, तुम चारों ने इस काली बहू पे इतने पैसे तो खर्च कर दिए। लोग खुशी से लाल पीले होते हैं। देखो, ये तो काली हो रही है। भाभी, आप माँ की बातों पे ध्यान मत दो और आप केक काटो, आ जाओ भैया। हाँ, केक काटो, क्या पता फिर से काट पाओगे या नहीं। वैसे मेरा बहुत मन है तुम्हारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे तुम्हारे हाथ की खीर खाने का। आशा की यह बातें सुनकर काजल जल्दी से केक काटती है और केक काटने के बाद विवेक ऑफिस चला जाता है और काजल की चारों नंद शॉपिंग के लिए बाहर चली जाती है। काजल रसोई में खीर बनाने जाती है, पर उसी टाइम उसका फ़ोन आ जाता है। इस फ़ोन को भी अभी ही बजना था। एक काम करती हूँ, पहले फ़ोन को अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद खीर बना लूँगी। काजल फ़ोन को पिक करने के लिए किचन से बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद आशा रसोई में जाती है, जहाँ आशा गलती से स्टील की कटोरी में सब्जी निकालकर माइक्रोवेव में रख देती है। एक बार मैं भी तो इस माइक्रोवेव में सब्जी गरम करके देखूं।
कैसी गर्म होती है। इतना बोलकर आशा माइक्रोवेव के पास खड़ी हो जाती है और माइक्रोवेव फट जाता है, जिसकी वजह से आशा को बहुत सी चोटें आती हैं। ऐसे बुरे वक्त में सबसे पहले उसके पास काजल आती है और अकेले अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर आशा का इलाज करते हैं। माइक्रोवेव फटने की वजह से आशा के चेहरे पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। आशा जब होश में आती है तो अपने सामने बहू को खड़े देखती है और अपनी बहू को देखकर आशा माफ़ी मांगने लगती है। बहू, आज घर में कोई नहीं था, तू मुझे अकेले हॉस्पिटल लेकर आई। चाहती तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ देती। मैंने तेरे रंग रूप का बहुत ही मजाक बनाया है। शायद भगवान ने मुझे उसकी सजा दी है। देखा, भगवान ने मुझसे मेरा चेहरा छीन लिया। नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए। मैंने सभी को फ़ोन कर दिया है, वो सब आते ही होंगे और आपका चेहरा भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। देखो, आज मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है। मुझे गिफ्ट में मैं चाहती हूँ कि आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आप मुझे मेरा तोहफा नहीं देंगी? हाँ बहू, मैं तुझे बहुत जल्दी ये तोहफा दूंगी। तू मुझे माफ़ कर दे। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आज आपने मुझे अपना लिया, यही मेरा तोहफा है। आशा काजल को उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी वाले दिन अपना लेती है तो वहीं आशा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ दिनों बाद आशा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर वह अपने पूरे परिवार के साथ घर जाती है। आशा अपनी खानदानी कड़े अपनी बहू काजल